तेलंगाना में मौसमी अमराज और ख़ास तौर पर वायरल फीवर के केसेस में तेज़ी से इजाफे का रुझान है। गुज़िश्ता चंद दिनों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक अगस्त के अख्तिताम तक डेंगू के केसेस की तादाद 6,400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। अहदेदारों के मुताबिक 10 अजला डेंगू से ज़्यादा मुतासर पाए गए हैं, जिनमें हैदराबाद, सूर्यापेट, मेडचल, मलकाजिगिरी, खम्मम, निज़ामाबाद, नलगुंडा, रंगारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी और वरंगल शामिल है। रियासत में 1,11,650 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिसमें 6,405 डेंगू पॉजिटिव पाए गए। रियासत में डेंगू की शरह 5.7% दर्ज की गई है। महकुमा सेहत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक एक हफ्ता कबल तक डेंगू के मरीजों की तादाद 5,372 थी। अहदेदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में केसेस की तादाद में कमी होगी। हुकाम के मुताबिक जारिया माह डेंगू के केसेस की शरह में कमी दर्ज की गई है। जारिया साल डेंगू के अलावा चिकनगुनिया के केसेस भी ज़्यादा पाए गए हैं। 31 अगस्त तक 3,614 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिसमें 178 केसेस चिकनगुनिया के पाए गए। गुज़िश्ता हफ्ता ये तादाद 152 थी। हुकाम के मुताबिक रियासत में मलेरिया के बास केसेस भी मंजर आम पर आए हैं और 31 अगस्त तक 23,06,000 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिसमें 200 पॉजिटिव पाए गए।